गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन नई यूनिट चालू करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जैसा कि इसका नाम बताता है, ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, H2। ठीक है, तो आप इसको जनरल फॉर्मूला कैसे दे सकते हो, C6H2O1। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की यही डेफिनेशन दी गई थी। जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। तो इसमें आपको देखो दिखेगा हाइड्रेट ऑफ कार्बन, C जो है उसको आप 6 लिख लो और H2O यहाँ पे बना हुआ है, जिसके बाहर कॉमन में 6 लगा दूँ तो वही फॉर्मूला वापस बन जाएगा। तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ऐसे ही ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को आप इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन को कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन के, जैसे कि रेमनोज। रेमनोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, लेकिन ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन को फॉलो नहीं करती, क्योंकि देखो जब आप इसको लिखोगे C6H2O तो होल यहाँ पे 6 नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसे अपन इस तरीके से फॉर्मूले में डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से रेमनोज के अलावा एक यहाँ पे एक और है, वो है डीऑक्सीराइबोज। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, मोनोसेकेराइड है, जिसका की फॉर्मूला होता है C5H10O4। ठीक है, तो ये भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है, एक्सेप्शन। फिर एक एक्सेप्शन क्या आया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते लेकिन फिर भी वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप देखो फॉर्मल्डिहाइड में आप देखो, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो C और H2, ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में आप देखो ये हो गया C2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, H4O2। ठीक है, तो H4O2 जो है वो क्या मतलब हो गया उसका, कि H2O का होल ट्वाइस, कि दो मॉलिक्यूल H2O के दो कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बाद में इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर है जिसमें किस तरह के इसके ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो नई डेफिनेशन दी गई वो थी कि दे आर नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को आप जब भी डिफाइन करोगे लिखोगे दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसके अंदर। वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ हो सकते हैं, एडिशनल कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन और एल्डिहाइड, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO। ग्लूकोज में हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फिर इसके 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, और फिर इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे CHOH आता है, इसमें और जो ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक साथ ही लिख देती हूँ मैं, CHOH जो है वो होंगे 4 और एक होगा प्राइमरी अल्कोहल और ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गए एल्डिहाइड ग्लूकोज, और कीटोन में आपको पता है फ्रक्टोज आ जाएगा, फ्रक्टोज में सबसे ऊपर प्राइमरी अल्कोहल होता है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर CHOH जो है वो 3 और CH2OH। ठीक है, तो ये दो मोनोसेक्राइड्स ऐसे हैं जो अपन इस चैप्टर में आगे भी इनके रिएक्शंस भी देखेंगे। इनके बेसिस पे आप इस डेफिनेशन को भी देख सकते हो कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. दिखने में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस के बेसिस पे नहीं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस. तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को दो में डिवाइड कर सकते हो. एक होता है शुगर और एक होती है नॉन शुगर. ठीक है, शुगर जो होती है वो स्वीट होती है, टेस्ट में मीठा टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट होती है. ठीक है, सॉल्यूबल होती है, दे आर वाटर सॉल्यूबल. और नेचर में कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है. आप घर पे चीनी देखते हो, क्रिस्टलाइन ये नेचर होता है, ये क्रिस्टलाइन होती है नेचर. ठीक है, तो सारे जो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब शुगर ही है. माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज ये सब क्या है, शुगर. लेकिन नॉन शुगर में इसके एकदम उल्टे प्रॉपर्टीज हो जाएंगी. दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, वाटर सॉल्यूबल नहीं होती. वाटर क्या होती है, इनसॉल्यूबल होती है. और नेचर क्या होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता. कैसा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है. ठीक है, और इसमें जो आती है ना, इसमें आती है जैसे स्टार्च, जो कि पोटैटो में पाया जाता है स्टार्च, आपको पता है. और इसमें आता है एक सेलुलोज, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अपन ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया है. अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. देखो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. आपको पता होना चाहिए इसमें अपन तीन में क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट को. पहला है मोनोसैकेराइड, ठीक है. दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड है पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड जो होती हैं, उनका क्या होता है कि इनके कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होती. हाइड्रोलाइज मतलब जब हम पानी से इसके किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स में. तो ये दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस नहीं होता. सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी यही है. इसका जो फॉर्मूला होता है CN, अपन कह रहे हैं ना कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी अपन ने उसको डिफाइन किया है. तो इसमें ये जो N होता है ये 2 to 10 तक हो सकता है. जो कार्बन का नंबर है वो 2 से 10 तक वेरी कर सकता है. ठीक है, किसमें, मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, दूसरा पॉइंट, N कैन बी 2 to 10. थर्ड पॉइंट ये है कि इसको जैसे मान लो अपन मान लें कि C3 है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ट्रायोज. अगर कब, जब ये C क्या होगा, 3 होगा. ठीक है, अगर C4 होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, टेट्रोज. कब, जब C4 होगा. ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो C5 होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पेंटोज, जब C5 होगा. ठीक है, इसी में एक होता है C6, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन बोलते हैं हेक्सोज. ठीक है, तो ये आपके लिए यहां तक बहुत है. ट्रायोज में भी आप देखो, एल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज होता है. एल्डो ट्रायोज जब उस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटो ट्रायोज जब उस शुगर के अंदर कीटोनिक ग्रुप. ऐसे ही टेट्रोज में एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज. ट्रायोज में आपने पढ़ा भी होगा ग्लिसरलडिहाइड जो है, जिसका फॉर्मूला होता है CHO CHOH CH2OH, ग्लिसरलडिहाइड, वो ट्रायोज शुगर है. ऐसे ही टेट्रोज जो है, इसके अंदर एरिथ्रोज पड़े हुए होंगे. पेंटोज में आपने राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, या ये सारे पेंटोज हैं. ऐसे ही हेक्सोज में जो मेन है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ठीक है,
तो ग्लूकोज हेक्सोज को अगर मैं दो में डिवाइड करूं कि मैं बोलूं कि एक तो है एल्डोज और एक है कीटोज, तो एल्डोज में तो हो जाएगा अपना ग्लूकोज और कीटोज में हो जाएगा अपना फ्रक्टोज। तो ये अपना मोनोसेक्राइड हो गया जो कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जिनका कार्बन का नंबर 2 से 10 हो सकता है और ये उसके डिफरेंट टाइप है। ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं कि ऑलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट दे सकते हैं। क्या बोला मैंने कि हाइड्रोलाइसिस जब हम ऑलिगोसेक्राइड्स का करेंगे तो हमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑब्टेन होंगी, मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑब्टेन होंगी। इसी के बेसिस पे अपन इसको अलग अलग नाम देते हैं। एक होता है जैसे डाइसेक्राइड, मतलब जब आप उस शुगर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2 मोनोसेक्राइड ऑब्टेन होंगे। एक होता है ट्राईसेक्राइड, उसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 3 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑब्टेन होंगे। जैसे डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पे कोर्स में भी आएंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड में आप देखो एक है माल्टोज है ना, एक है लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है, सुक्रोज जिसमें माल्टोज ग्लूकोज से बना हुआ होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट से ही बना हुआ होता है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से बना हुआ होता है, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और लैक्टोज से बना हुआ होता है। तीसरा है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं इसमें क्या होता है कि 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट में टूटता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूटता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो इसके एग्जांपल हैं, क्योंकि ये वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए होते हैं। ओके, तो ये इसका क्लासिफिकेशन अपन ने 2 तरीके से बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज अपन इतना ही देखते हैं, कल इसकी रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।